हाय फ्रेंड्स, मैं अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को कि कैसे पुराना मोबाइल से नया मोबाइल में अपना पूरा डाटा हो गया, जैसे मान लीजिए आपका फ़ोटो हो गया, वीडियो हो गया, या कोई भी आपका ऐप्स हो गया, पूरा आप मतलब अपना पुराना मोबाइल से नया मोबाइल में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। सबसे ईजी प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना है इसमें ज़्यादा कुछ। मैं आपको जो चीज़ बता रहे हो आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर ओपन करेंगे। ये मेरा पुराना मोबाइल में है, ये मेरा नया मोबाइल में मोबाइल है। तो मैं क्या किया, अभी एक नया मोबाइल लिया, तो इसमें मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जो पुराना मोबाइल का पूरा डाटा हो गया, ऐप्स हो गया, पिक्चर हो गया, वीडियो हो गया, सब कुछ मैं अपना नया मोबाइल में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो मैं जो प्रोसीजर बता रहा हूँ तो आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोगों को भी थोड़ा मदद मिलेगा, है ना। ठीक है, प्ले स्टोर में जाते हैं। अभी इसमें कुछ नहीं करना है, सर्च में हम क्या लिखेंगे, इन शेयर लिख दिया, अभी सर्च कर लेंगे। ठीक है, मेरा नया मोबाइल में भी सेम चीज़ करेंगे हम, प्ले स्टोर में जाएंगे और इन शेयर करके लिखेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने दोनों मोबाइल में सेम ऐप्स डाउनलोड कर लिया, अभी इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अभी ओपन कर दिया। अभी मेरे को मेरा ये पुराना मोबाइल से नया मोबाइल में कुछ डाटा भेजना है, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसमें सेंड कर दूँगा, ठीक है। सेंड बटन क्लिक कर देंगे, अलाउ कर लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, मेरा जो नया वाला मोबाइल है, ये नया वाला मोबाइल फ़ोन है, इसमें क्या कर देंगे, मैं रिसीव कर दूँगा, ठीक है। मैं रिसीव बटन, ये सारा आपको जो भी फीचर्स वगैरह है तो उसको सारे को एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी देखिए अभी क्या करना है। अभी मान लीजिए कोई भी मैं एक ऐप्स, इसमें से ऐप्स हो गया, वीडियो हो गया, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो गया, कुछ भी मैं मतलब शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, आपको आप लोगों को एक ऐप शेयर करके बता देता हूँ। अभी इसमें से देखिए, जैसे मेरे पास कौन सा ऐप्स है, और जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट स्कैनर है, तो डॉक्यूमेंट स्कैनर को मैं अपना नया वाला मोबाइल फ़ोन में शेयर करना चाहता हूँ। तो इसमें कुछ नहीं, क्लिक कर देना है, पुराना वाला मोबाइल में क्लिक कर देना, सेंड कर देंगे। ठीक है ना, अभी एक स्कैनर आ जाएगा, तो स्कैनर से हमने मेरा जो पुराना मोबाइल है, पुराना मोबाइल से मैं अपना डाटा नया मोबाइल में डाल रहा हूँ, तो इसलिए क्या करेंगे, हम स्कैनर से स्कैन कर लेंगे, नया मोबाइल का जो स्कैनर है, ठीक है ना, इसमें इससे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी देखिए कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट हो रहा है अभी। ठीक है, ये देखिए मेरे पास जो मैंने डॉक्यूमेंट स्कैनर फाइल इसमें शेयर कर रहा था, अभी आ रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये ऑलरेडी हो गया मेरा, ठीक है, कम्प्लीट हो गया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो फाइल था वो कहाँ पर पहुँच गया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए मैंने जो ऐप्स शेयर किया था वो अभी देखिए डॉक्यूमेंट्स कर रहा, आप इसमें आ गया। तो आप क्या करना, फाइल मैनेजर ओपन करना, अपना जो फाइल मैनेजर है, ठीक है, स्नैपचैट, ठीक है, जैसे कि ये फाइल मैनेजर है, देखिए फाइल मैनेजर ओपन कर लीजिए। निजी स्टोरीज के साथ आप चुन सकते हैं कि आप अपने मजाकिया पल किसके साथ शेयर करते हैं, अभी डाउनलोड करें। ठीक है, फाइल मैनेजर में जाकर आपने देखना है, ऐप्स में जो है, ऐप्स में जाना, उसके बाद ऐप्स में जाना, ये देखिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐप्स,
आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आप अभी देख लिया कि ऐप्स कैसे हम शेयर कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी पिक्चर हो गया या कोई और चीज़ हो गया कैसे आप हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए वही सेम प्रोसीजर है, कुछ करना नहीं है। जैसे देखिए मैं उस ऐप्स में आ गया, अपना इनशेयर ऐप्स में, इसमें देखिए ऑप्शन है, ऊपरी ऑप्शन है, हिस्ट्री ऐप, फाइल्स, वीडियोज, फोटोज, आप कुछ भी भेज सकती है। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई फ़ोटो भेजना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो सेंड कर देते हैं, मैं इधर से सेंड कर दिया। ठीक है, ब्लूटूथ ओपन करना है, इसको अलाउ कर देना हमने। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है, इसमें रिसीव में जाना है, बस इसको सेम प्रोसीजर से आपने क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है, कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, अभी कनेक्ट हो गया। अभी देखिए मैंने जो फ़ोटो भेजा तो वो फ़ोटो ऑलरेडी आ गया मेरा नया मोबाइल में। तो आप इधर से ओपन कर सकते हो इसको, ओपन क्लिक दबा के। ये देखिए मैंने जो फ़ोटो सेंड किया था वो आ गया। ऐसे करके आप अपना कोई भी फ़ोटो, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, खूब ही कम टाइम में, मतलब इजी प्रोसीजर है। देखिए आप लोग, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ये वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।